नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको आए दिन कोई ना कोई क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट मिलता रहता है, तो आशा करता हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और बेल आइकन को हिट कर लिया होगा, जिससे सबसे पहले आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके मित्र भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का मज़ा ले सकें। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लैंड वर्सेज श्रीलंका का मैच है, उसका मैं अपडेट देने जा रहा हूँ, जो कि टेस्ट मैच है। अगले मतलब 5 घंटे के लगभग बाद मैच शुरू हो जाएगा, तो 3:30 बजे जो टाइम दे रखा है उस समय इसका मैच का टाइम है जो शुरू हो जाएगा मैच। तो ये कौन सा मैच है बता रहा हूँ, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका का मैच है, इसका मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ। तो आप पूरा वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको वीडियो में समझ में आए कि मैं किस तरीके से समझाने वाला हूँ और क्या क्या उसमें मतलब बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो को एंड तक देखें और समझने का प्रयास करें। तो जैसे कि मैं खोलने जा रहा हूँ उसको, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट्स का गुरु एंड स्टेट्स सारा इसको खोलेंगे। इसमें जाके हम मैच स्टेट्स पे जाएंगे, मैच स्टेट्स में देखेंगे तो इसमें देख सकते हैं आप, इंग्लैंड ने 5 मैच में से अपने लगातार 5ों मैच जीते हैं और श्रीलंका ने अपने 3 मैच जीते हैं। वहीं पे वेन्यू स्टेट्स भी आपको बता देता हूँ, कैनिंगटन ओवल में हुआ मैच, जो कि लंदन में है, और लंदन कहाँ पे है, इंग्लैंड में। पिच जो है वो बॉलिंग पिच है और पेसर को मदद मिलेगी यहाँ पे, रेनी वेदर है। 271 एवरेज रन स्कोर है और टोटल विकेट जो गिरे हैं 165 गिरे हैं, और पेसर को यहाँ पे 153 विकेट मिले हैं और स्पिनर को 12 विकेट मिले हैं। वहीं पे आप देख सकते हैं हेड टू हेड हुए हैं दोनों के बीच में, जिसमें इंग्लैंड ने 4ों मैच जीते हैं, और जो टॉस जीतता है वो बॉलिंग फर्स्ट लेता है 100%, और जो बॉलिंग फर्स्ट लेगा उसके विनिंग चांस 20% बढ़ जाएंगे। वहीं पे जेमी स्मिथ हैं, जो रूट हैं, बेन डकेट हैं, क्रिस वोक्स हैं, गुस अटिक्सन हैं और डैन लॉरेंस हैं। ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। तो चलिए अब आपके समय वेस्ट न करते हुए टीम बनवाते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, जिससे और भी आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकें। तो चलिए, तो पूरी वीडियो को ध्यान से समझ लें, और आखिरी वाला जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो पूरी वीडियो को समझने का प्रयास करना। तो चलिए टीम बनवाने में आपकी मदद करते हैं। तो सबसे पहले मेरी टीम में रहेंगे जे स्मिथ, उसके बाद रहेंगे एच ब्रूक, उसके बाद रहेंगे जे रूट, फिर रहेंगे के मैंडिस, सी वॉक्स, फिर उसके बाद जी अटिक्सन, ए फर्नैंडो, एम रथनायके, उसके बाद डी तंदीमल, फिर डी सिल्वा, और यहाँ पर रहेंगे पी जयसूर्या। कप्तान वाइस कप्तान बता देता हूँ, कप्तान रहेंगे मेरे जो रूट और वाइस कप्तान मेरे रहेंगे एटिक्सन। तो ये है मेरी टीम का प्रीव्यू, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। आशा करता हूँ आपने वीडियो का पूरा समझा होगा और लास्ट पॉइंट समझा होगा, किस तरीके से मैं कप्तान वाइस कप्तान बनाता हूँ। और पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।